हे गाइस, वेलकम बैक इन क्विक टेक। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दोस्त रविंदर सिंह। दोस्तों, आप देख रहे हैं सोलर पैनल्स, और आप मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, मेरी पहली वीडियो देख चुके हैं। वारंटी का इशू है इसके साथ। तो बहुत से लोग कह रहे थे कि जो आप मेरा पैनल है, ये इसका डायोड चेंज कर लूँ, इसका डायोड ख़राब होगा। तो मैं उनको बता दूँ कि मुझे इतनी तो नॉलेज है कि कंपनी भी बोल रही थी कि डायोड ख़राब, चेंज करके देखा किसी टेक्नीशियन से करवाया। तो भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने पढ़ी है और इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं कीड़ा हूँ, तो मैं डायोड पहले चेक करके देख चुका हूँ। ये डायोड है जो इस सभी सोलर पैनल्स में लगा होता है। ये छोटा सा है, 10 रुपये की चीज़ है, 10। तो मैं इसको पहले ही चेंज करके देख चुका हूँ। ये इसमें जो लगा आया था वही डायोड है, पुराने वाला। नया मैं इसमें लगा चुका हूँ, उसके बाद भी दिक्कत आती थी तो मैंने आपको वीडियोस दिखाई थी। तो डायोड क्लियर है सबको कि डायोड ख़राब नहीं है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ प्रॉब्लम क्या थी, क्यों ये चल नहीं रहा था। तो दोस्तों, इस पैनल में जो दिक्कत है वो स्नेल ट्रेल्स की है। स्नेल ट्रेल्स एक ऐसी दिक्कत होती है जिससे कि परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है एक सोलर पैनल की। तो इसमें जो है सभी सेल्स में वो दिक्कत आ चुकी है स्नेल ट्रेल्स की। धीरे धीरे आई होगी, तब मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो, तो मैंने ध्यान तब दिया जब मैंने इससे कंपैरिजन किया, तब मुझे मालूम चला इसमें दिक्कत आ गई। क्योंकि वो आसानी से दिखती भी नहीं है, इतनी बारीक वो दिक्कत होती है स्नेल ट्रेल की। एक होता है माइक्रो क्रैक, एक होता है स्नेल ट्रेल्स। आप गूगल करिएगा, आपको मालूम चलेगा कि क्या क्या दिक्कत है। आप गूगल करिएगा, लिखिएगा गूगल पे स्नेल ट्रेल्स इन सोलर पैनल, तो आपको मालूम चलेगा ये क्या दिक्कत होती है। इससे परफॉर्मेंस डाउन होती है, तो धीरे धीरे करके होती है। धीरे धीरे करके होती है और जैसे जैसे वो बढ़ती जाएगी। या जब भी वीडियो बनाने बैठो ना, तो ये डिस्टर्ब करने आ जाता है कोई ना कुछ। ये टिटेरियाँ भी अभी टैटर करेंगी, कुत्ते भी अभी भोगेंगे, सबको अभी लूम सोलर वाले हो क्या सालो। हाँ, तो मैं कहता हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे बढ़ती है, और इसमें पूरी तरह बढ़ गई। और वो मैंने नोटिस किया जब ये पैनल लाया, कंपेरिजन वीडियो बना था तब, कि ये तो डाउन है इसकी परफॉर्मेंस। उसके बाद मैंने डायोड देखा, क्योंकि इस सबसे पहले डायोड ही ख़राब होते हैं सोलर पैनल के ज़्यादातर। बट डायोड के बाद भी दिक्कत ख़त्म नहीं हुई, तो मैंने ध्यान से देखा, तब मुझे नज़र आया कि इसमें तो स्नेल ट्रेल की दिक्कत आ गई है। अभी स्नेल ट्रेल दिखाता हूँ आपको कि क्या होता है। वैसे तो मैं इमेज दिखा देता हूँ आपको साइडों में, ये स्नेल ट्रेल्स होती हैं, फिर भी आप इस पैनल में देख लीजिए क्या है स्नेल ट्रेल। तो ये देखिए, पूरे पैनल्स में आपको लाइनें नज़र आ रही होंगी। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, रुकिए मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं नज़दीक कर रहा हूँ और आपको धीरे धीरे नज़र आने लग जाएंगी। अब देखिए, देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिए, क्रैक से नज़र आ रहे होंगे लाइनें। ये देखिए, ये लाइनें इधर उधर गई हुई हैं, जैसे बिजली से खड़कती है ना आसमान में, उस तरह से गई हुई हैं। पूरे पैनल का यही हाल है, जैसे कि एक सेल क्रैक हो गए हैं इसके, पूरे पैनल में
इसी तरह की लाइनें नजर आएंगी। ये देखिए इधर इधर सारे में है, ये सब स्नेल ट्रेल्स हैं। मेरा जो फ़ोन है ना, इसका कैमरे से नहीं डिटेक्ट हो रही है ये दिक्कत अच्छी तरह से। DSLR होता तो शायद दिखता आपको। ये देखिए देखिए ये सब स्नेल ट्रेल हैं, ये लाइनें पूरे सेल में ये दिक्कत है, पूरे सेल के पूरे पैनल में एक भी सेल नहीं बचा है। तो ये होती है स्नेल ट्रेल, और इसके कारण जो है परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है पैनल की। तो यही बीमारी हो गई है इसमें, जिसके कारण ये नहीं चल रहा है। तो डायोड की दिक्कत नहीं है, स्नेल ट्रेल की है। तो अपने पैनल्स में ज़रूर इस बहुत ध्यान से देखिए, कहीं उसमें भी तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, किसी वेफर में तो ऐसी दिक्कत नहीं है। तो मैंने अपना बड़ा वाला जो पैनल है वो रखा 350 वोल्ट का, उसमें भी देखा तो उसमें भी आ चुकी है। पहले 2 सेल्स में थी, अब 3 में हो चुकी है। तो वो भी मैं बोल रहा हूँ कंपनी वालों को कि चेंज कर दे, बट वो जो है उसको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस मैंने बोल दिया कि अभी परफॉर्मेंस तो उसकी इतनी डाउन नहीं है, वोल्टेज एम्पियर अभी ठीक है, पर वो अगर नहीं भी होता, ख़राब भी होते तो भी वो जो है इतनी आसानी से मानते नहीं उस चीज़ को, क्योंकि वो महंगा पैनल है। तो अभी उन्होंने देखिए, आप देख पा रहे होंगे, 2 पैनल ब्रैंड न्यू पैकिंग में रखे हुए हैं। तो जो ये पैनल है, ये वाला आपको मैंने दिखाया था पिछली वीडियो में अनबॉक्स करके कि कैसा भेजा था, उसमें क्रैक था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में इधर या इधर आ रही होगी, वो जाके देख लीजिए कि किस तरह का पैनल उन्होंने भेजा, कितना बढ़िया पैनल भेजा, कि मुझे फिर से कंप्लेंट करनी पड़ी, उन्हें खरी खोटी सुनानी पड़ी। तो फिर वो लाइन पर आए बड़ी मुश्किल से, मैंने बहुत अच्छे से सुनाया उन्हें, तो उन्होंने फिर ये वाला भेजा है। अब ये मुझे कल रिसीव हुआ है, तो इसको भी आज मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको कि अब इसमें क्या निकलता है, क्योंकि ये पूरा पैकिंग में है, अभी मैंने खोला नहीं है। तो मैं इसको खोल के दिखाने वाला हूँ अभी आपको, ठीक है। तो ये मेरा जन सोलर है और काफ़ी बढ़िया से काम कर रहा है। दोनों का कंपेरिजन वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में दे देता हूँ, देख लीजिए। उसका अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप देखिए, देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा आपको उस वीडियो का, ठीक है। और अगर आपको उसकी दिक्कत दिख रही देखनी है तो उसकी भी वीडियो आ जाएगी, आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अब अभी से लाइक कर दीजिए वरना बाद में भूल जाएंगे। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल के आइकन को प्रेस जरूर करिए। मैं आपको इसी तरह की बढ़िया से बढ़िया नॉलेज सोलर की देता रहूँगा, और जो सॉल्यूशन है वो भी आपको पता चलेगा किस तरह का सॉल्यूशन मेरे होता है या नहीं, और आपके साथ क्या होगा। तो इसलिए अगर सोलर में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए अभी उसके अनबॉक्सिंग करते हैं, तो फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों, इंडियाज़ नंबर 1 सोलर पैनल की जो दूसरी बार आया है उसको अनबॉक्स कर लेते हैं आज, फिर से अनबॉक्सिंग देखते हैं कितनी अनबॉक्सिंग करते हैं। और दोस्तों, इसका ये मतलब बिल्कुल मत समझिएगा कि मेरी तो मौज ही हो गई, कितने सारे पैनल मुझे मिल गए हैं। एक ये रखा हुआ है, ये भी आ गया फ्री फंड में, और जो ख़राब है वो तो अभी पड़ा ही हुआ है, और एक और आ गया। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी उनसे बात हुई थी तो ये भी वापस चला जाएगा, और वो पुराने वाला है वो भी वापस चला जाएगा। मेरे पास रहेगा तो यही रहेगा जो ठीक होगा। तो अभी तो इसके अंदर कैसा निकलता है, क्योंकि आप देख चुके हैं ये कैसा निकला था, इंडियाज़ नंबर 1, और अभी इसके अंदर देख लेते हैं कैसा निकलता है। तो मौज होने की बात तो ऐसी है कि बहुत तगड़ी मौज हो गई है। वो जो 350 वोल्ट का 13,000 रुपये का पैनल है, उसमें भी स्नेल ट्रेल आ गई है, 3 सेल्स में अभी नज़र आ रही हैं। तो तगड़ी मौज हो गई ना, ऐसी मौज आप भी लेना चाहते हैं? इसको खोलें जल्दी से।
ओह कुछ आज नहीं, वही है वही है। तो ये लीजिए सिम सिम तो खुल गया, देख लेते हैं क्या निकलता है। ये लीजिए और कुछ नहीं है इसमें, कोई लेटर माफीनामा कुछ नहीं भेजा है उन्होंने इसमें। FTR रिपोर्ट लगी हुई है, इसका पीछे का जंक्शन बॉक्स का कैप और एक FTR रिपोर्ट और वारंटी कार्ड। FTR रिपोर्ट जो कि हमेशा बेस्ट होती है, बेस्ट परफॉर्मेंस 23 वोल्ट 3 एम्पियर। तो आज तो सूर्य देवता जी बादलों में छुपे हुए हैं, तो टेस्टिंग तो होगी नहीं, फिजिकली देखेंगे, तो फिजिकली ही चेक करेंगे कि फिजिकली डैमेज ना हो। तो ये वारंटी कार्ड, जंक्शन बॉक्स ठीक है, छोटी सी वायर देने लगे हैं पैनल के साथ, अभी हम चेक करेंगे अच्छे से कि भाई थोड़ा टाइम लगेगा अच्छे से चेक करना है, तो प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा, वीडियो स्किप ठीक है। बाकी इस बार पैनल जो है, सेल जो है क्रैक नहीं है, सेल ठीक है। तो ये रहा पैनल 50 वोल्ट का आ गया है। कल एक और मेरे पास, ये नया है, अब ये रहेगा मेरे पास और ये सब चले जाएंगे दोनों, तो ठीक है। बट मेरे 350 वोल्ट के शर्त याद रखिएगा, लूम सोलर उसको भी चेंज करना है, दिक्कत उसमें है और मैं छोड़ूंगा नहीं। कहीं सोचते हो बार बार आप यही बोलते हो कि हमने चेंज कर दिया, वीडियो डिलीट करिए, हमने चेंज कर दिया, अरे भाई यही चेंज किया है उसको कौन करेगा, वो भी ख़राब है, मुझे ख़राब चीज़ नहीं चाहिए। अच्छा इस बार तो QC पास्ट स्टिकर लगाए QC पास्ट का, मैं भी पास कर देता हूँ भाई इसे, ठीक है पास है, सोलर पैनल ठीक है, काम ठीक करेगा अभी फ़िलहाल। आगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आपको मैंने दिखाया इसका इसका उसका सबका, तो वीडियो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि कोई फंसे ना, आपका दोस्त मित्र कोई परिवार का सदस्य है, अगर किसी को जानते हो जो सोलर में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स खुला है हमेशा आपके लिए, जवाब हम ज़रूर देंगे जैसा कि अब तक देते आए हैं हर एक का जवाब, तो कमेंट करिए और सवाल करिए। अच्छा लगा है तो अपने जो भी भाव हैं कमेंट में हमें शो करिए, तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगेगी। और अब तक आप वीडियो देख चुके हैं, यहाँ तक आए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अ लाइक वुड बी अप्रिशिएटेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।